मासूर साहब हमरे गीत बजावत हुवन बा कौनो में हरारू अपने मरद का जतरा बना के भेजले बा दही गुड़ खिया के दुल्हा जब गयल बा रात बीतल सवेरे से हरारू से फोन में बतियावत हो कहत बड़ा बढ़िया कैलू हो जौन दही गुड़ खिया के भेज दिलू सवेरे सवेरे और का कैलू वह कहत बा दुल्हा अपने में हरारू से का कहे ये कहत बा पतरा देखा के जतरा बनवलू जत रहली परदे संविधान के रचयिता डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी संविधान को बनाकर चले गए और उसी संविधान के बल पर आज ये समाज के लोग कहां से कहां जा रहे हैं। नेता हो अधिकारी हो कोई भी हो बगैर संविधान के खिलाफ क्यों कोनो काम ना कर सकला। एक इंसान इस दुनिया से डॉक्टर बाबा साहब के पास पहुंचा और जाकर के सवाल कर दिया इतना संघर्ष इतना मेहनत और संविधान बनाकर चले आए हो आज उसका निरक्षर हो रहा है उसका अपमान हो रहा है। आपके संविधान के अनुसार चलने का काबिल कोई नहीं रह गया है इसीलिए बाबा साहब से जाकर कोई इंसान यही बात कहता है। क्या कहता है भैया सिचल सही दी खून से बगिया अब का होई बिरा खून से बगिया ये बताओ ये बिरान तोहरे हो तोहरे हो तोहरे बिना बाबा साहेब हो रोवत बा हिंदुस्तान करके बोला कि एक समय था एक समय ऐसा था कि बाबा साहब को विद्यालय में नाम ना लिखात रहल नाम दखिला ना ही होत रहल बाबू किसी तरह से नाम लिखा गया बाबा साहब पढ़ाई करने के लिए विद्यालय से घर से आने जाने लगे लेकिन अध्यापक लोग मास्टर लोग क्या करें बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के कक्षा से रूम से बाहर बैठा मैं कोई भी सवाल हुआ करता था पढ़ाते थे लिखाते थे सबसे पहले बाबा साहब ले जाकर के लिख करके सामने हाजिर कर देते थे इतना दिमाग इतना माइंड रखते थे बाबा साहब लौट करके आते थे रास्ते में कूड़ा कचरा कुछ भी हो ले जाकर के लोग फेंक दिया करते थे आंख में आंसू लेकर के माँ के गोद में सर रख करके
बोलते थे कि कैसा मेरा समाज है, ये कैसे लोग हैं इतना अपमान करते हैं। माँ समझाती थी ऐसा ही है जैसा हो देख रहे हो। बाबा साहब ने विचार किया, पढ़ाई लिखाई करेंगे, संघर्ष करेंगे, मेहनत करेंगे और इसका तस्वीर बदल करके रख देंगे। अपने घर को घर नहीं समझे, अपने परिवार को परिवार नहीं समझे, ये दुनिया वालों को अपन मेहरारू अपन लड़का अपन बाप मतारी त्याग के सिर्फ हम सब के लिए। बाबा साहब ने विचार किया अगर हमारा समाज अपने लोग सुधर जाएंगे तो आने वाली पीढ़ियां हैं कितने लोग हैं सबका जीवन सवर जाएगा। अपना तो अपना ही है, कहना वा मास्टर अंतरा के भाव में। फुलावा समान जनला काटा कसे जरिया, पढ़ाई करते थे, उन्होंने अपने दुख को सुख में ढाल दिया, अपने दुख को सुख में ढाल दिया और विचार किए जो मेरा दुख है वो दुख नहीं है, उससे हमें लड़ना होगा और उन्होंने काटा को फूल को तरह माना, इसीलिए लिखा गया क्या फुलावा समान जनला काटा कसे जरिया, फुलावा समान जनला काटा कसे जरिया, फुलावा समान जनला काटा कसे जरिया। वही पर सोई के बीतवला तू मरिया, बाबू कि क्या बताएं, जितना बताएंगे उतना ही कम होगा। अच्युत बिरादरी के लोग ठाकुर बाभन पंडित के द्वारे से ना गुजरे, गुजरे तो उ लोगों का रास्ता अलग रहे, ताकि अगर हवा चले तो हवा से महक नहीं आवे, अगर रास्ता इधर से हो तो लोग उधर से जाए। इतना बड़ा अपमान हुआ करता था अच्युतों के बाबू करिहाए में, जौन बात सुतरे पर बढ़नी बानल जात रहल, गले में हरिया लटकावल जात रहल, जहां चले पांव का निशान न रहे। इतना बड़ा अपमान बाबा साहब ने बदल करके रख दिया। अपना परिवार अपना सब कुछ छोड़ करके पढ़ाई करने के लिए चले गए, पढ़ाई करने लगे, बाबा साहब की नौकरी भी मिल गई बड़ौदा नगर में, कुछ दिन ड्यूटी किए। वहां पर क्या होता था, पानी पीने के लिए लोग इनकार करते थे, बाबा साहब को पानी घड़ा से निकालने नहीं देते थे, जिस रूम में बाबा साहब रहते थे उस रूम में कोई नहीं जाता था, जिस रूम में बाबा साहब ड्यूटी करते थे नौकरी करते थे चपरासी लोग फाइल ले जाकर के दूरी से रख देते थे, उस ब्रेंच को बाबा साहब के जगह को छुआ नहीं करते थे। इतना बड़ा अपमान उन्होंने त्याग दिया, नौकरी को त्याग दिया, ऐसी नौकरी हमको नहीं चाहिए। बाबा साहब चले आए, उन्होंने संगठन किया,
विचार किया ये छुआछूत को बीमारी को सबसे पहले हमको हटाना है और एकता बनाए, एकता बना करके सात मेंबरों का टोली बना करके बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी इधर संविधान बनने के बनाने की तैयारी कर दिए। तो कहना है मास्टर दूसरी लाइन में का हथवा से लिखला ये परे जावन संविधान साल 11 मार्च 2018 का दिन था। डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी ने संविधान बना करके बाबू ले जा करके हवाले कर दिए, तैयार कर दिए। लेकिन जो संविधान को बनाए आज इतना बड़ा अधिकार मिला ले जा करके एक कतार में सभी को खड़ा कर दिए। आज गावत है जा बजावत है जा जहाँ आवे के बाद मन राजा के तरह आवत जात बा। अगर वैसे ही फिर होए लगे तब लेकिन बारे बाबा साहब कहना बा हथवा से लिखला अपने जावन संविधानवा मनत नहीं खे केहू सब भइले देई मनवा लिखला अपने जवन संविधानवा मानत नहीं के केहू सब भइले बेईमनवा घात लगवले बाटे कितने दुश्मन नीच नदान तोहरे बिना बाबा साहेब हो रोवत बा हिंदुस्तान। हकीकत में आज हिंदुस्तान रो रहा है का नहीं होत बा कहीं एक्सीडेंट हो जात बा धक्का लग जात बा अगर गरीब का लड़का एक कैठे हो अगर मान ला मर गयल अगर बड़े आदमी हो तो ले जाके 1 लाख रुपया थाने पर पहले ही जमा कर दी हाँ। कोनो सुनवाई न हो ये चलता एक गरीब यही ना मर उस समय दिन आई गल भाई आज के जमाना में यही हकीकत बात है सबके देखते ही बा तब गरीब सुधरे के नाम नहीं लेता कहना बा मास्टर होता ना गरीब अवन का कहीं सुना वाही पैसा इज्जत आबरू सब कुछ से बढ़कर आज के जमाना में पैसा पैसा मनई दे के 1 लाख 2 लाख बदल जात हो कहीं सुनवाइये न हो फाइल दबा जाता कुछ दिन के बाद गरीब आदमी अपने घरे खाए नहाए में भुलाई जात हो। ऐसा ए समाज में ऐसा ही चल रहा है कहना बा कैसे होता ना गरीब अवन का कही सुना भाई माफियन का राज बाटे कहा केहू जाई मैया खून से हरदम रोजवे करे नहा भारत
बाबा साहेब हो रोवत बा हिंदुस्तान, तोहरे बिना बाबा साहब हो रो कत बा हिंदुस्तान, तोहरे बिना बाबा साहब हो रो, तोहरे बिना बाबा साहब हो रो कत बा हिंदुस्तान। भारत मैया खून से हरदम रोजवे करे नहान, हम लोग कहिला कि हमार देशवा आजाद हो गेल बा, और फिर भी आजादी नहीं बा। हाँ भैया, मानसिक गुलामी हमेशा, फिर भी आजादी नहीं बा। इस देश खातिर सरहद के सीमा पर हमारे हिंद के जवान लाखों शहीद हो रहे हैं। कहाँ से आजाद हो, कहाँ से आजादी बा, उन्हीं लोगों के देन बा कि हम लोग चैन का नींद सोवत है नहीं। कहा ना बा मास्टर, कौन दिन सी छक्का बाजी लग जाई, क्यों नहीं बाकी हिंद लाज कब चाई, इंसान ने कहा कि एक बार किसी न किसी रूप में फिर से जन्म लेकर के ये धरती पर एक बार आ जाइए, जो दिया बुझ रही है उसको एक बार आकर के जला दीजिए। क्या कहता है मास्टर, ज्योतिया जलावला जवन बुझत बाटे देश में, जिस इंसान को, जिस देश को आपने सुधार करके गए थे, आज वो फिर से बिगड़ गया है। एक बार आ जाइए किसी न किसी रूप में, इसीलिए लिखल गल हो, ज्योतिया जलावला जवन बुझत बाटे देश में, जन्म लेके कौनो देश में, आपके जैसा निहवा के उना बाटे विधवा, ज्योतिया जलवला जवन बुझत बाटे देश में, अब फिर से जलादा जन्म लेके कौनो देश में, आपके जैसन हवा के उना बाटे विद्वान, तोहरे बिना बाबा साहेब हो रोवत बा हिंदुस्तान, नहीं आपके जैसन के रहल न पैदा होई और न पैदा भयल। इसलिए कहता है कि एक बार आप किसी न किसी रूप में आकर के इस दिए को जला दीजिए, तभी लोग सुधरेंगे और समझेंगे। आखिरी लाइन में कहना बा गीत कहना, पत्तु छह बर सूखा नंदन कही के गईले, पत्तु छह बर सूखा नंदन कही के गईले, पत्तु छह बर
साहेब हो रोवत बा हिंदुस्तान।